हमारा D2 जिसमें कि लिखा गया है सबसे फर्स्ट में रॉड 95 जो कि पूरे हैं। उसके बाद लिखा गया है 4 पीस हैंगर, ये भी पूरे हैं। उसके बाद लिखा गया है 4 पोल 16 पीस जो कि ये है, ये भी पूरे हैं। उसके बाद लिखा गया 5 पोल 16 पीस, ये भी पूरे हैं। उसके बाद 2 पोल 8 पीस, ये भी पूरे हैं। उसके बाद 4 पोल लॉन्ग, ये भी पूरे हैं 4 पीस, और 5 पोल लॉन्ग 6 पीस, ये भी पूरे हैं। और 21 पीस सेल्फ, ये भी पूरे हैं। और एक कवर, बॉडी कवर। सबसे पहला स्टेप है हमारा, हमारे पास जितनी भी सेल्फ है उसको पाइप में इस तरीके से इंसर्ट करना है। सेल्फ में हमारे पास 21 सेल्फ थी, हमने पूरे के पूरे इस तरीके से इंसर्ट करके रख दिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है, सबसे पहले अपन को चाहिए 4 पोल लॉन्ग। 4 पोल लॉन्ग एक पाइप में इस तरीके से साइड में लगेगा सबसे पहले। इसके बाद चाहिए होगा हमें सेल्फ लगा हुआ, पाइप में लगा हुआ सेल्फ जो कि हम इस तरीके से इंसर्ट करते हैं। अब हमें चाहिए होगा 5 पोल लॉन्ग, ये एक पाइप में हम इसको इस तरीके से इंसर्ट करते हैं, फिर इसको इस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। अब हमें फिर से चाहिए होगा पाइप लगा हुआ सेल्फ जो कि हम इस तरीके से लगाते हैं। अब हमें फिर से चाहिए होगा 5 पोल लॉन्ग, एक पाइप में हम फिर इसको इस तरीके से लगाते हैं। अब हमें चाहिए होगा, अब हमें चाहिए होगा फिर से पाइप लगा हुआ सेल जो कि इस तरीके से आगे लगेगा। अब हमें चाहिए होगा फिर से 5 पोल लॉन्ग जो कि ये, हमें दोबारा पाइप में इस तरीके से लगाना है। इसको इस तरीके से लगा के हमें आगे बढ़ाना है। अब हमें फिर से चाहिए होगा सेल्फ पाइप लगा हुआ जो कि इस तरीके से लग के आगे बढ़ेगा। और लास्ट में हमें चाहिए होगा 4 पोल लॉन्ग, तो इस तरीके से लग के साइड में ये इंसर्ट हो जाएगा। तो हमारा बेसिकली ये पूरा ढांचा तैयार है फर्स्ट स्टेप। अगला स्टेप है हमारा जो कि पाइप ऊपर की तरफ रहेगा हरे कनेक्टर में इस तरीके से। अब हमें चाहिए होंगे 4 पोल, 4 पोल चाहिए होंगे और एक पाइप चाहिए होगा। 4 पोल को इस तरीके से पाइप में इंसर्ट करके हमें साइड में लगाना है यहाँ पे। अब अपन को चाहिए होगा सेल्फ फिर से पाइप लगा हुआ जो कि इस तरीके से लगेगा। अब हमें चाहिए होंगे बीच में 5 पोल जो कि एक पाइप में इस तरीके से फिर से लग के आगे बढ़ेगा। अब हमें फिर से चाहिए होंगे पाइप लगा हुआ सेल जो कि इस तरीके से आगे बढ़ेगा। अब हमें फिर से चाहिए होंगे 2 5 पोल जो कि पाइप में लग के पाइप लगा हुआ सेम स्टेप है, आगे बढ़ेंगे हम लगाते हुए। अब हमें चाहिए होगा फिर से 2 5 पोल, फिर से हम पाइप में इसी तरीके से इसको लगाते हैं।
ये थोड़ा सा हैवी होता है क्योंकि आप इस पर वेट डालने वाले हो, तो इसलिए आप इसको केयरफुली तरीके से आराम से बनाओ। हमें फिर से चाहिए होगा सेल्फ पाइप लगा हुआ जो कि इस तरीके से आगे लगेगा। अब हमें लास्ट में चाहिए होगा फोर पोल, एक पाइप चाहिए होगा हमें जो इस तरीके से लगेगा। पहले टॉप फ्लोर पे लगेगा फिर साइड में लगेगा। तो ये बेसिकली हमारा तीसरा स्टेप तैयार है। नेक्स्ट स्टेप पे हमारा चाहिए होगा अपन को पाइप जो कि बिल्कुल साइड में लगेंगे इस तरीके से। दो पाइप और चाहिए होंगे जो इस तरफ लगेंगे, दो पाइप और अपने को चाहिए होंगे तीन सेल पाइप लगे होंगे जो कि इस तरीके से लग जाएंगे। पाइप लगे हुए सेल जो कि हमने पहले तैयार कर रखा था। हमें चाहिए होंगे टू पोल जो कि इस तरीके का दिखता है। टू पोल बेसिकली ये सबसे साइड में लगेगा। अब हमें चाहिए होंगे फोर पोल और हमें एक पाइप की जरूरत है। पाइप इस तरीके से लग जाएगा, ये इस तरीके से। अब हमें चाहिए होंगे सेल्फ लगा हुआ, हम इसको इस तरीके से सेट कर देते हैं। अब अपने को चाहिए होगा फाइव पोल यहाँ पे, तो फाइव पोल इस तरीके का एक पाइप चाहिए होगा हमें। पाइप हमने फिर से इसको इस तरीके से डाला, इसको इस तरीके से लगा के इस तरीके से लगा के आगे बढ़ेंगे। हमें फिर चाहिए होगा सेल्फ पाइप लगा हुआ जो कि इस तरीके से लगेगा। और हमें यहाँ पे चाहिए होगा फोर पोल और एक पाइप, दो फोर पोल और एक पाइप जो कि इस तरीके से लगेगा और ये बिल्कुल टॉप पे लग के इस तरीके से लग जाएगा। अब हमें चाहिए होंगे यहाँ पे फिर से टू पोल जो कि हमने उस तरफ भी लगाया था, ये इस तरीके से लग जाएगा। पहुंच कर दिया। अगला स्टेप है हमें पाइप लगाना है ऊपर की तरफ बिल्कुल साइड में इस तरीके से। बिल्कुल साइड में को आराम से तरीके से हमें लगाना है। हमें चाहिए होगा यहाँ पे सेल पाइप लगा हुआ जो कि हम इस तरीके से यहाँ पे लगा रहे हैं। एक और चाहिए होगा हमें जो कि हम यहाँ पे लगा रहे हैं। एक और सेल चाहिए होगा हमें पाइप लगा हुआ जो कि हम यहाँ पे लगाएंगे। अगला स्टेप है हमारा हमें ये टू पोल फिर से साइड में लगाना है। और इस तरफ भी हमें टू पोल का यूज करना है जैसा कि हमने उस तरफ लगाया। इसको आप बिल्कुल आराम से कर दो। अब हमें फिर से चाहिए होगा दो फोर पोल और एक पाइप जो कि इस तरीके से लगे लग के यहां पर लगेगा। अब हमें चाहिए होगा सेल्फ
पाइप लगा हुआ जो कि हम इस तरीके से लगा के अब हमें चाहिए होगा दो पाइप पोल और एक पाइप जो कि हम इस तरीके से लगाते हैं। इसको आप बिल्कुल आराम से लगा दो। हमें चाहिए होगा फिर से दो फोर पोल और एक पाइप। हम फिर से इसको साइड में लगा के इस तरीके से लगाते हैं। हमें चाहिए होगा बीच में फिर से सेल पाइप लगा हुआ जो कि हम इस तरीके से लगा के ऊपर की तरफ लगाने के लिए। इसमें हम बिल्कुल आराम से लगाएंगे दोनों तरफ बिल्कुल आराम से। अब हमें चाहिए होंगे यहाँ पे फिर से पाइप लगा हुआ सेल जो कि इस तरीके से लगेगा। हमें फिर से चाहिए होंगे पाइप लगा हुआ सेल जो कि इस तरीके से लगेगा। एक और चाहिए जो कि इस तरीके से लगेगा। अब हमें चाहिए होगा दो फोर पोल और एक पाइप जो कि हम इस तरीके से पहले भी लगाए हैं और अभी भी लगा रहे हैं और ये बिल्कुल टॉप पे इस तरीके से लगेगा। अब हमें चाहिए होंगे फिर से पाइप दो जो कि इस तरीके से आगे लगेगा। अब हमें फिर से चाहिए होंगे दो पाइप पोल जो कि इस तरीके का दिखता है पाइप पोल और एक चाहिए होगा पाइप जो कि इस तरीके से लग के बिल्कुल टॉप पे हमें फिर दो पाइप चाहिए होंगे जो कि ये इसको आगे बढ़ाएगा। अब हमें फिर से यहाँ पे चाहिए होंगे दो पाइप पोल और एक पाइप जो कि हम इस तरीके से लगाएंगे ये बिल्कुल टॉप। अब हमें दो पाइप फिर से चाहिए होंगे नीचे से जो कि इसको आगे बढ़ाएगा। उसके बाद हमें फिर से दो पाइप पोल का यूज करना है और एक पाइप जो कि इस तरीके से लग के हमें फिर से यहां चाहिए होंगे दो पाइप सबसे लास्ट में चाहिए होता है हमें दो फोर पोल और एक पाइप क्योंकि हम इस तरीके से लगा के इसको टॉप पे लगा के इसको इससे अटैच करते हैं। अब हमारा लास्ट रह गया है ये चार हैंगर। आप देख सकते हो ये चार हैंगर। तो चार हैंगर के लिए हमें दो पाइप चाहिए होते हैं जो कि इस तरीके से लगते हैं दोनों साइड। ये हैंगर इस तरीके से लगेगा। इसको बिल्कुल जमीन पे रख के इसको एक बार जोर से आप दबा देना ये बिल्कुल दब जाएगा इसमें। इसको कर लेना है आपको बराबर जमीन पे दबा दो। ये बिल्कुल साइड में आपका लग जाएगा।
बेसिकली हमारा पूरा स्ट्रक्चर तैयार है, जिसमें कि हमारे पास लास्ट में हमारे पास बचता है एक पाइप, एक टू पोल, एक फोर पोल और एक फाइव पोल, जो कि हमें आगे काम आएगा यदि कोई टूटता है या कुछ डैमेज होता है। और इस पेपर पे आपको नंबर दिया गया है, फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो बनाने में, तो आप इस नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हो और मैं आपको कवर डाल के दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो यहाँ पे मॉडल लिखा हुआ है D2, तो मैंने पहले भी बता रखा था हम D2 का अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। तो हम इसका बिल्कुल साइड का चेन खोलते हैं इस तरीके से, इसको आराम से इस तरीके से डालते हैं। और ये नीचे हमें बांधने के लिए दिया गया है बिल्कुल साइड में। अब मैं आपको एक बार इसको खोल के दिखा देता हूं, हमारा D2 बिल्कुल तैयार है। देख सकते हो आप साइड में पॉकेट है जो कि मल्टीपर्पज यूज है, ये साइज है। थैंक यू।